सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो गेमर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो गाइस आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं कॉल ऑफ ड्यूटी का एक न्यू गेम प्ले। तो भाई आप सभी लोग को पता हो कि आज जो है भाई कॉल ऑफ ड्यूटी जो है रिलीज हो चुकी है। तो भाई मैंने भी गेम को डाउनलोड कर लिया है एंड मैं इस गेम का जो है भाई टेस्ट गेम प्ले करने वाला हूं। तो भाई मेरे पास जो भी एक डिवाइस है वो एक सिंपल सा डिवाइस है, कोई ज़्यादा हाईफाई डिवाइस यूज़ नहीं कर रहा फिलहाल। मेरे पे आईफोन XR भी है। तो आपको पता होगा कॉल ऑफ ड्यूटी जो iOS के लिए भी आ गया, तो मैं चाहता तो उसमें कर लेता, बट यार मैक्सिमम बंदों पे जो होता है भाई एक नॉर्मल डिवाइस होता है। तो मैं आपको एक नॉर्मल डिवाइस का ही गेम प्ले दिखाने वाला हूं कि अगर आपके पास जैसा डिवाइस है तो उसके अंदर गेम जो है भाई कैसी चलने वाली है। तो भाई सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बता दूं, तो देखो भाई मैंने अपनी गेम को जो है कर लिया है ओपन और यहाँ पर अभी हम चलते हैं, लॉगिन कर लिया है एंड इसके बाद थोड़ी सी लोडिंग स्क्रीन हमारी गेम में आ रखी है। तो चलो ओके भाई, तो प्लीज़ यार मुझे नीचे अगर कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको फेस कैम वीडियो पसंद आएगी या फिर नहीं, क्योंकि मेरा तो भाई फर्स्ट फेस कैम वीडियो है, मतलब कि इस टाइप का तो फर्स्ट है। फिलहाल फेस कैम मैं पहले भी कर चुका हूँ, बट आप अगर चाहते हो कि मैं गेम प्ले में भी फेस कैम लगाऊँ तो प्लीज़ यार मुझे नीचे अगर कमेंट में जरूर बताना। तो भाई गेम हमारा ओपन हो चुका है, तो अभी हम चलते हैं इसको सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ रिवॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओके यहाँ पर हमें एक न्यू मोड भी देखने को मिलने वाला है, जो कि मैंने जैसा पढ़ा था तो इन्होंने कहा था कि ज़ोंबी मोड भी इस गेम के अंदर आने वाला है, तो शायद से हमें ज़ोंबी मोड भी देखने को मिलेगा। तो ओके ओके, इसे बाय बाय तो नहीं करना। ओके अभी मैंने गेम को क्लोज कर दिया है। यहाँ पर मल्टीप्लेयर मोड आप देख पा रहे होंगे, तो अभी फिलहाल इसके अंदर मेरे कोई भी कंट्रोल वगैरह कुछ भी सेट नहीं है। एंड जो आपको बताओ कि हमें थोड़े बहुत CP पॉइंट्स मिलेंगे, CP नहीं, इसमें आपको UC टाइप्स जो मिले थे 5,000, वो शायद से अब हटा दिए गए हैं, तो मेरे को तो नहीं दिख रहे मेरी प्रोफाइल में, तो शायद से आपकी प्रोफाइल में वो हटा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग मोड्स देख पा रहे हो, फिलहाल सारे मोड्स तो वही हैं, कोई भी नया मोड आया नहीं है। तो हम अपना नॉर्मल सा फ्रंट लाइन मोड खेल लेते हैं, तो मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। फिलहाल मेरे को कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट मारता हूँ। तो और प्लीज़ हमें अगर कमेंट में ये जरूर बताना कि आप में से कितने लोग हैं जो कि PUBG मोबाइल, फ्री फायर या फिर और भी कोई गेम छोड़कर कोड यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पर स्विच हो गए हैं। तो भाई मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पर स्विच हो जाऊँ, क्योंकि यार PUBG के अंदर भी बहुत ज़्यादा हैकर्स हो गए हैं। तो चलो भाई अभी हम आ चुके अपनी मतलब कि यहाँ पर मैच तो स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर भाई गेम की जो ग्राफिक्स है ना, मैं इसको थोड़ा सा लो कर दूँ, कि अगर आपकी भी गेम लैग मारती है ना तो आपने सीधा अगर ये जो FPS होता है ना फ्रेम रेट, इसको पूरा हाई कर देना है। जैसे आप फ्रेम रेट हाई करोगे तो आपकी जो गेम है उसके जितने मैक्सिमम आपका डिवाइस फ्रेम रेट ले सकता है, यानी कि गेम आपकी एकदम स्मूथ हो जाएगी जित हाई FPS आएंगे। तो ओके तो हमने ले लिया, और यहाँ पर एक बंदा मेरे सामने आया, इसको मैंने उड़ा दिया। अब चलते हैं भाई आगे की तरफ। एक बंदा ये खड़ा चचा, अरे भैया चलो घर जाओ। अभी मेरे को लग रहा है कि ये जो थोड़े बहुत प्लेयर आ रहे हैं शायद से थोड़े बहुत न्यू हैं, एंड इसके बाद अभी मेरे पास तो फिलहाल मैंने अभी कुछ भी सेट नहीं करा है, डायरेक्ट आकर मैंने मैच स्टार्ट कर दिया। ओके तो यहाँ पर 3-4 लोग हैं, ओ गया है तो ओके एक और आ गया भाई। ओ शिट मैन, मैं रीलोड लग गई, इसको भी उड़ाना पड़ेगा। तो भाई अभी मैं आपको 2-3 मोड खेलकर दिखाऊंगा यहाँ पर। फिलहाल इसके बाद जो एक और मोड होता है जो कि मेरा फेवरेट मोड है, जैसे कि आपको पता होगा काउंटर स्ट्राइक में बम डिफ्यूज वगैरह करना होता है, सेम टू सेम वही मोड इसके अंदर भी है। तो ओके मैं इसको, ये भी गया यहाँ पर जाने वाला लगभग, ओके गया। तो यार एमओ भी मेरी खत्म होने वाली है, थोड़ी सी लग रहा है एमओ लेनी पड़ेगी। गया ये भी भैया, क्या कर रहे हो, मतलब कि बोट्स आ रहे हैं फिर नूब, शायद से नूब लोग होगी क्योंकि अभी मेरे को तो नहीं पता कि इसके अंदर बोट्स हैं कि नहीं। फिलहाल कॉल ऑफ ड्यूटी में बोट्स हैं, बैटल रॉयल मोड में मैंने देखे थे इसके अंदर बोट्स होते हैं। ओके तो मेरे नेट से बंदा उड़ गया लिटरली भाई, वो दो लोग हैं यहाँ पर। अब ओ भाई फायर ही नहीं हुआ हमने इसको, अच्छा सॉरी वो तो ओके कोई दिक्कत नहीं। तो ओके गाइस चलो अभी आगे चलते हैं। मेरे पास ये वाला जो बोम है हंटर किलर, ओके हंटर किलर को हमने फेंक दिया है एंड देखते हैं कहाँ पर जाकर। ओके तो डायरेक्टली अपने आप ही डायरेक्शंस पकड़ के सीधा एनिमी के ऊपर कूद जाता है बम, बड़ा ही सही है। ओके तो सामने ओ दो बंदे, एक भाई शिट मैन मैंने गलती कर दी, ये देखो मैं ऐसे आया। ओके तो मेरा एम ही कूड़ा था, मैं किसी को भी नहीं लो कर पाया भाई, शिट। ओके तो चलो दोबारा चलते, कोई दिक्कत नहीं, अभी मेरा मतलब कि काफ़ी टाइम बाद खेल रहा हूँ। पहले फिलहाल मेरा इस गेम पे काफ़ी प्रैक्टिस हो गया था, बट अभी जो है मैं काफ़ी टाइम बाद इस गेम को चला रहा हूँ। बाहर निकलते हैं, तो ये रहा सामने बंदा, गाड़ी के पीछे छुप रहा है। ओके तो मेरे ओके मेरे टीममेट थोड़े बहुत अच्छे प्लेयर है भैया, उड़ा डाला, छत पर है बंदा भाई, सांप बना पड़ेगा भाई, पीछे भी एक बंदा आकर बैठा हुआ था, शिट। कोई नहीं मैं लोड आउट, अच्छा लोड आउट चेंज करने का भी है इसके अंदर, अगर आपने कोई सेकेंडरी लोड आउट बना रखा है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसको भी।
बट मैंने तो अभी बनाया नहीं है, मैं आया हूँ सीधा और सीधा एक मैच लगा लिया, कुछ सेट नहीं करा। ओके ये कहाँ जा रहे हो भैया, भाग कर कहाँ जा, ओह ओह तेरी तो भाई ये है बढ़िया रास्ता, मतलब मैं पीछे से आया और दोनों को, ओ बंदा ओ शिट, ये भी गया। हाँ ठीक है, तो अभी मेरी हेल्थ तो फिलहाल फुल है, मेरे को लग रहा था कि इससे मैं मर जाऊँगा बट इसको भी मैंने मार दिया। ओके भाई यार ओ भाई ये दीवार आ गई थी वो तो अच्छा हुआ बंदा साइड हट गया, वरना मैं मर सकता था। और भाई बच गया मैं जैसे तैसे, ओके भाई ये कौन से रास्ते पे आ रहा हूँ मैं, पीछे से एकदम मैं एंटर, ओके मेरे को लग रहा है मैं उनके पाले में आ गया हूँ यार। ओके तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमें एक सीढ़ी मिली, हम ऊपर चढ़ गए यहाँ से। और अभी बंदे कहाँ पर, ओके तो बढ़िया। ओ शिट यार मैंने जंप का बटन दबा दिया यार, चलो कोई बात नहीं, क्या यार मैंने क्या कर दिया, इतनी अच्छी जगह थी यार, मैं उनके एकदम पीछे आकर खड़ा हो गया था। ओके कैंपिंग, ओ सर जी कैंपिंग नहीं करनी, ये कॉल ऑफ ड्यूटी है, पबजी मोबाइल नहीं, मतलब साला इसमें FPP चल रहा है, TPP थोड़ी चल रही है, मैं तो कहीं भी खड़ा हो गया। ओके तो एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, और भैया ये स्नाइपर्स मस्त करना, मतलब इसमें ये स्नाइपर बंदे यूज़ अच्छी कर ले रहे हैं। ओके तो ये तो गया भैया, ये भी कैंपिंग ही कर रहा था शायद से, अंदर की तरफ चलते हैं। तो भाई बंदे कहाँ, अरे ये रहा, मेरे को लगा कि भैया बंदों ने मैच ही लीव मार दिया कहीं डर के मारे। चलो भाई घर जाओ तुम तो छोड़, अरे यार एक तो मेरा कंट्रोल सेटअप नहीं है ना, मैं थंब पे खेल रहा हूँ, मैं एक्चुअली क्लो प्लेयर हूँ, मैं अपना 4 फिंगर का सेटअप यूज़ करता हूँ, बट अभी जो है मैं नहीं कर पाऊँ क्योंकि थंब का सेटअप हो रखा है, मैंने डायरेक्ट गेम चला दिया है, तो दिक्कत की बात ही हो गई है। ले भाई किल तो आ गया भाई मेरे को, मैंने सीधा उसके ऊपर बॉम गिराया एंड मेरे को डायरेक्ट किल आ गए। ओके सामने बंदा, चलो भाई ये भी गया, आगे चलते हैं। ओके ये कहाँ भाग कर आ रहे हो भैया, कहाँ भाग कर आ रहे हो, मतलब कि अंधा, एकदम अंधों की तरह भागते हुए आ रहे हो भाई। ओ ये कहाँ से उड़, अरे यार ये क्या कर, अरे शिट यार, अच्छा ये पीछे से आया, मैं कहूँ मैं उधर से ही आया था तब तो ये दिखा नहीं, अब कहाँ से टपक गए। चलो कोई बात नहीं, दोबारा गेम ट्राई करते हैं। ओके तो हमारी टीम के 25 पॉइंट्स चल रहे हैं और उनकी टीम के 29, यानी कि वो लोग जीतने वाले हैं। 50 पॉइंट्स का मैच होता है वैसे उसमें, तो 50 का होता है पता नहीं, हाँ शायद 50 का ही होता है, 40 का पबजी में होता है। ओके तो ये तो गया भैया भाग एकदम, मतलब अंधों की तरह क्यों, मतलब आओ भाग के, कोई मना नहीं है, अंधों की तरह क्यों भाग रहे हो, बंदा सामने खड़ा फिर भी भागे जा रहा है, कहीं और ही फायर करता। चल भाई ये तो, अरे ये भी अच्छी जगह है, ओ रीलोड, रीलोड ना करनी होती तो अभी मैं इसको भी मार देता। इधर से भी एक बंदा आया, वो मेरा किल चुरा लिया, नहीं मैं नहीं मारा, मैं नहीं मारा, मेरे को लगा मेरा किल चुरा लिया उस नूबड़े ने। ओके तो अभी तो कोई भी बंदा नहीं दिख रहा है। ओके ये बे यार मेरे पे एमओ कम था ना, मैंने सोचा चक्कू से मार दूँ एक बंदे को। ये देखो मेरे को उसने कैसे बंदर की तरह उड़ा उड़ा के मारा है। चलो भाई बाहर चलते हैं, देखते हैं भाई अगले किल के लिए निकलते हैं। 29 पॉइंट्स हैं उनके, 34 पॉइंट्स, छी वो लोग हमसे 5 पॉइंट आ गए हैं पूरे। ओके तो सामने वाले घर में भाई, ओके छत पे चढ़ा हुआ है, इसको कैसे मारूं, ये क्या हो गया, ओ एक गोली में, अच्छा स्नाइपर यूज़ कर रहा भाई, शिट। ओके ये देखो मैं कैसे मारूं, इसमें ये अच्छी चीज़ है कि डेथ कैम बहुत अच्छा दिखा दे यार, मज़ा आता है देखने में डेथ कैम। दोबारा से आगे चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड गाइस ये मेरा फर्स्ट फेस कैम है, तो भाई मेरे को नहीं पता कि कैसा आपका इंप्रेशन आने वाला है, प्लीज़ यार कमेंट में जाकर जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, प्लीज़ यार कमेंट में जाकर जरूर बताना। ओके सामने बंदा खड़ा हुआ है भाई, इसको ले लूंगा पीछे से, भाग 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 तू बेटा, अब तो गया मैं एकदम, ये वाला रास्ता वैसे सही, बच गया भाई बच गया, कैसे बच गया, ओ मैंने उसकी इतनी गोलियां भाई, मैंने क्या गड़बड़ कर दी यार, शिट मेरे को ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए था। ओके कोई बात नहीं, अभी भी अपनी टीम जीत सकती है, अपने 33 पॉइंट है उनके 38, वो पूरे भाई 5 पॉइंट्स आगे चल रहे हैं। अब मैं अपना पूरी ताकत दिखाऊंगा, रुक जाओ थोड़ा सा गेम प्ले पे ध्यान देता हूँ, ठीक है, अब आप बस गेम प्ले पे ज़्यादा देखना, मेरी फेस कम देखना। ओके अरे अरे ये वाला बटन, शिट यार मैंने ये वाला बटन, पता क्या आदत होगी, क्लो की आदत हो गई है ना, तो मैंने गलती से ये वाला बटन दबा दिया। दोबारा से चलते आगे, कोई दिक्कत नहीं है। बंदे तो भाई अपने भी ठीक ही हैं भाई, मतलब कि 3 पॉइंट्स आ गए हैं वो लोग हमसे, अबे यार अभी भी 3 पॉइंट्स ही आ गए हैं। ये खड़ा सामने, अब मैं अपने किल से निकालता हूँ जल्दी जल्दी, एक ठीक है, अब काउंट करते रहो बस। ये रहा एक बंदा स्नाइपर लेके, ये तो इजीली जाएगा, दो, एक सामने भी खड़ा हुआ है, झांक 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 बेटा, ओ भाई
भाई अभी तो मैं कसम से मरते मरते बचाऊं पूरा, अभी मर गया था वरना मैं। मर जा मर जा मर जा। स्नाइपर लेके तुम उछल रहे हो भैया, स्नाइपर लेके मत उछलो। ये रहा वाला बंदा भाई, इसको मैंने 1 HP करा था, देख लो ये बैठे बैठे फुल हो गया। तो यहाँ पर अब मैंने स्नाइपर उठा लिया भाई, अब मैं फोड़ दूंगा भाई। एक ऑटो गन वापस अपनी उठा लेता हूँ। अभी स्नाइपर और ऑटो गन अब सब गए भाई। अब हम लोग आ गए भाई, हम लोग 1 पॉइंट आ गए उनसे। ये अब आ गए हो गए हम लोग 2 पॉइंट। अब दिखाते अपनी स्नाइपर का कमाल। ओके अबे मैं मर जाऊंगा भाई ऐसे तो। यस भाई क्या क्विक दिया। ओह इजी है भाई इसमें स्नाइपर चलाना थोड़ा सा। ओके लो भाई जीत गए 50 पॉइंट भाई पहले हमने कर दिए। और आपने आखिरी वाला स्नाइपर का शॉट तो देखा ही होगा यार, मतलब कि क्या ओपी था ये देखो। स्लो ओ स्लो मोशन है। ओके पैर पे दिया था पहले वाला मैंने। और ये असलियत में देखा जाए तो मैंने गाड़ी पे मारा था बट उसके हेड पे लग गया। थोड़े बहुत ग्लिच अच्छे होते हैं भाई, मतलब कि COD में है बट मेरे को तो नहीं लगता कि ये जो है मतलब कि ज़्यादा देर तक रहेंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी जो है भाई इसे ठीक कर देंगे। फिलहाल ये ग्लिच नहीं था, लगभग उसके हेड पे ही थी गोली। तो चलो भाई अभी हम चलते हैं अपने अगले मैच की तरफ, क्योंकि ये वाला मैच जो था ख़त्म हो चुका है। एंड यहाँ पर MVP तो भैया हम ही रहेंगे, क्योंकि आप मेरे पॉइंट्स देख पा रहे हो भाई, मतलब कि इन लोग के डबल के भी, डबल के डबल तो नहीं है बट डबल से तो ज़्यादा ही है। डबल के डबल नहीं है क्योंकि उसके 800 थे, 800 के डबल का डबल ज़्यादा ही हो जाएगा, 3200 हो जाएगा वो। तो मेरे पॉइंट से भाई 2600 के आसपास। तो भाई मज़ा आ गया, 27 किल्स नाइस। तो चलो भाई चलते हैं, हम एक और मैच लगाते हैं। यहाँ पर मैं आपको लॉबी दिखा देता हूँ गेम की, ये पिछले सीजन का थोड़ा सा व्यू दिखा रहे हैं। तो इन सब फालतू चीज़ को स्किप करते हैं, अब चलते सीधा अपने अगले मोड पे। तो गाइज मैंने अपना अगला मोड स्टार्ट कर दिया एंड इस मोड के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाई आपने शायद से कभी काउंटर स्ट्राइक या फिर क्रिटिकल स्ट्राइक खेला होगा। तो इसमें क्या होता है, सामने वाले 5 अपोनेंट्स होते हैं, तो वो 5 के 5 बंदों के पास में किसी एक बंदे के पास होगा एक बॉम्ब होगा, वो उसके पास 2 पॉइंट्स होंगे ए एंड बी। वो कहीं पर भी उस बॉम्ब को प्लांट कर सकता है एंड अगर वो बॉम्ब जो है भाई फूट जाता है, उसकी टाइम बॉम्ब होता है तो एक लिमिटेड टाइमिंग होती है, तो अगर वो फूट गया तो भैया वो लोग जीत जाएंगे, टेररिस्ट जो होते हैं, अदरवाइज हम लोग जीत जाएंगे। तो थोड़े टाइम के लिए वो बनेंगे टेररिस्ट, थोड़े टाइम के लिए हम बनेंगे जिनके पास बॉम्ब होगा। तो ये है भाई डिफेंड ए। तो अभी हम है भाई, मैं अभी इस टाइम हूँ डिफेंडर, यानी कि मेरे को सामने वाले टीम्स के पास बॉम्ब है तो मुझे उन्हें बॉम्ब लगाने नहीं देना है। अगर वो लगा भी देते हैं तो मुझे उनको मार के बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना है। तो अभी चलते हैं भाई सीधा बंदों को उड़ाने के लिए। तो यहाँ से मैं निकल चुका हूँ। ओके तो डिफेंड बी पर, वो पता नहीं अब कौन से स्पॉट पर बॉम्ब लगाएंगे, बॉम्ब लगाने के सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पॉट होते हैं। ओके तो अभी मैं यार एकदम थंब खेल रहा हूँ भाई, एक और प्लेयर का वेट हो रहा है यार। ओके तो अब मैच स्टार्ट हो जाएगा हमारा, एक प्लेयर और आएगा, मतलब एक प्लेयर और आ चुका है। तो पूरी दोनों साइड टीम्स जो है पूरी पूरी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप मेरा लोड आउट आप देख पा रहे हैं क्या क्या है। तो चलो भाई अब चलते हैं। ये वाला मैच जो है गाइस पूरा जरूर देखना क्योंकि ये मेरा फेवरेट मैच है। ठीक है ओके लेट्स गो। अभी हम चलेंगे आगे तरफ, डिफेंड ए की साइड जाता हूँ मैं क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि शायद अगर वो मेरे हिसाब से अगर उस साइड जिंदा हुए तो ए पर आएंगे सीधा। इस इधर मतलब कि यार कोई दिख तो नहीं रहा अभी फिलहाल, कोई आया ही नहीं इधर। ओके इधर भी कोई नहीं है, तो बंदे हैं कहाँ पर भाई। ओके इधर तो मेरी ही टीम में टाके पूरा गोल चक्कर काट के। ओके तो साइन आया मेरे को मैप में, फायरिंग का साइन आया, सीधा साइन पर चलता हूँ मैं। ओके तो मेरे ही टीममेट भैया मेरे को डरा दे रहे गोल गोल घूम कर आके। भाई ये वाला मैच तो जीतना पड़ेगा। वैसे जीत ही जाऊंगा मेरे को जहाँ तक पता है। ओके अरे कहाँ पर गए यार बंदे, कहाँ चले गए, और अपने 2 बंदे मर भी गए। वाओ अपने 2 बंदे मर भी गए, उनके 5ों जिंदा है। नाइस ओके भाई एक गया, 5ों यहीं पर है भाई साहब, 5ों यहीं पर है। मतलब क्या भाई क्या स्ट्रेटजी, अच्छी टीम लग। ओके दो गए भाई दो को तो मैं ही ले गया के। तो हमारी टीम के 2 बंदे, उनकी टीम के अभी भी 3 बंदे हैं, पहले वो 5 थे जिसमें से 2 को मैंने मार दिया। मेरे को फॉल बैक करना पड़ेगा वरना वो सब लोग आ गए तो मेरे को फोड़ डालेंगे। वापस जाता हूँ, वो लोग तो आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ओके अंदर है, बाहर भागा गया भाई एक और गया। अब 2 मैं, मेरा टीममेट भी मर गया यार, 1v2 फाइट है अभी भी। ओके तो एक बंदा इसके अंदर है भाई, 1 HP लिटरली 1 HP भाई, उसकी एक गोली मारनी है बस, वो मारने भी नहीं, हवा दे देना, हवा कर दूँ उसको, फूक मार दूँ मर जाएगा। ओके गया
ओके, तो एक बंदे ने भाई बोम प्लांट कर दिया। ये देखो भाई, अब आपको दिख रहा होगा वहां पर लिख कर आ रहा है डिफ्यूज, अभी तक लिख कर आ रहा था डिफेंड बट अब लिख कर आ रहा है डिफ्यूज, यानी कि जो एनिमी है उसने बोम प्लांट कर दिया भाई। इस बंदे ने बाहर ही खड़ा हुआ है, एक मिनट रुक जाओ मेरे को पूरा ना एक सर्कल लेकर जाता हूँ, उसको थोड़ा सा ट्रोल करता हूँ। ओके इधर तो नहीं है, उधर ही है वो, यानी कि ओके ये भागा, लकड़ी का सहारा लेने छोड़ दे, कातिया गया भाई। चलो ओके, तो चलो इसको भी मैंने मार दिया। और यहाँ पर अब आपने ये बॉम्ब डिफ्यूज कैसे होता है? ओके अरे क्या, हाँ चलो ओके, इसी वाले बटन पर टैप करना है तो आपका बॉम्ब जो है डिफ्यूज हो जाएगा। ओके नाइस, तो चलो भाई ये वाला मैच तो हमने एक मैच विक्ट्री मार ली है, एंड अभी इसी तरीके से हमें अभी 5 मैच और जीतने हैं, तो चलो भाई 5ों मैच खेलेंगे अभी। निकलते हैं अब यहाँ से, लेट्स गो बॉयज फास्ट। डिफेंड ए, भाई मैं एक ही साइड जाऊंगा क्योंकि पिछली बार उन्होंने ए पे बॉम्ब प्लांट करा था, तो वो भाई 5ों बंदे एक साथ रह रहे हैं, उनकी एक बात अच्छी है उन्होंने भाई मेरे पूरे 4 टीममेट्स मार देते। वो तो मैं थोड़ा पबजी और फ्री फायर इन सब गेम्स का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तभी मैं उनके अगेंस्ट फाइट कर पाया हूँ। ओह भाई 4 बंदे मैं अकेले खा गया और ये लो 5वां भी। भाई इतनी बड़ी गलती कैसे यार, मतलब वैसे गलती नहीं वो मतलब कि 5ों एक साइड बैठ के सिर्फ 5ों का ध्यान एक ही बंदे पे, उधर से कोई हमारा टीममेट गया उनका सबका ध्यान एक ही बंदे पे था, सबको उड़ा डाला। चलते हैं दोबारा, वहीं चलूंगा, बड़ी सही जगह से मारा था भाई, 5ों किल मेरे, नाइस। ओके अभी तो फिलहाल हमारा कोई भी टीममेट मरा नहीं है, पिछली बार भी कोई नहीं मरा था, मैंने किसी को मरने ही नहीं दिया था भैया, पहले ही सबको उड़ा डाला। ओके तो यार ये लोग वॉइस चैट नहीं कर रहे वरना ज़्यादा। ओके अंदर आ गए भाई, इधर कब आए तुम लोग यार? सर जी 2 चले गए, 2 उड़ा दिए बंदे। ओके एक ये रहा, ये भी गया बेटा, 3 एक और। भैया कहाँ ध्यान है यार तुम सबका, कहाँ ध्यान है? लो भाई जीत गए फिलहाल, इस बार मैंने 4 बंदे फिर से मारे और फिर से जीत गए भाई, मतलब ये थोड़े ईजी है यार। पहले जब मैंने 5ों को एक साथ देखा था ना तो मेरे को लगा था बहुत तगड़ी लोबी आई है कि मतलब 5ों एक साथ ऐसे बैठे हुए हैं कि कोई भी कहीं से भी आए तो मैं ये वाली डायरेक्शन देख रहा हूँ, मैं ये वाली डायरेक्शन देख रहा हूँ, कुछ इस टाइप की स्ट्रेटेजी है, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये लोग तो एकदम अंधों की तरह चल रहे हैं। ओके अपना एक बंदा मार दिया, वाओ सामने, ओह सामने से आ रहा है, फिर से 5ों एक साथ। ओके तो मैंने एक को मारा, अब अपना हिसाब बराबर हो गया भाई, 2 को मार दिया भाई साहब, साइड से ले गया भाई दोनों को, तो अभी फिलहाल उनके 2 बंदे बचे अपने 4। ओके तो एक, ओके तो मेरे दोस्त ने मेरा किल चुराया नुबड़े, चलो भाई फिर से ओल्ड रेड, तो लो भाई एक और निकाल दी विक्ट्री। अभी उनके 0 स्कोर चल रहा है और हमारे 4 स्कोर, मतलब कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारी टीम है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से जीत रही है। नहीं भाई ये मैं ज़्यादा वो एटीट्यूड नहीं दिखा रहा हूँ, ये सच बात है, आप खुद देख लो भाई हर मैच में 3 से 4 किल कर रहा हूँ मैं, 5 बंदों में से 4 किल मैं ही कर दे रहा हूँ, बताओ। अभी यहाँ पर हम आ चुके हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई, देखते हैं और भी बंदे कहाँ पे हैं। ओके कहाँ पर हो सर जी, बाहर निकलो, हेलो 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 हेलो, है क्या किसी में दम? हेलो अबे 5ों भाई, अभी तो मैं मरते मरते बचा भैया, मैं तो मैं ज़्यादा ही एटीट्यूड में आ गया था यार, मेरे को तो हल्के में ले लिया भाई इनको मैंने, मेरे को पीछे भागना पड़ेगा वरना 5ों। ओके बॉम्ब प्लांट करा है तुमने, बॉम्ब प्लांट करा किससे पूछ के करा? ओके तो अच्छा एक और बंदा आया, ओके आजा भाई तू भी आजा, फिलहाल ये मेरी हेल्थ तो खा चुका है, अच्छा प्लेयर लग रहा थोड़ा सा, इसको तो मारूंगा जरूर मारूंगा। हाँ बेटा कैंपिंग कर रहा हूँ मैं, नूब हूँ एकदम आज। ओके एक और आ चुका है भाई, क्या करूँ मेरी हेल्थ कम थी इसलिए कैंपिंग करनी पड़ी, ठीक है अदरवाइज मैं कैंपिंग नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर भाई मैंने मतलब अच्छा ये 3 ही बचे थे, बाकी मेरे जो 4 टीममेट्स ने इनके 2 बंदे मार देते, बाकी 3 को मैंने मारा, एंड बॉम्ब अब डिफ्यूज कर देते हैं, एंड ये वाला मैच भी अपने हाथ में है। ओके तो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा, ओके बॉम्ब डिफ्यूज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड, अगर आपके पास 3 सेकंड भी है तो आप बॉम्ब डिफ्यूज कर सकते हो। अगेन भाई कोर मैच कितने मैच होंगे, 6 मैच होंगे मेरे को लग रहा है। चलो भाई चलते हैं दोबारा से आगे की तरफ और निकालते हैं। ओके ओके टारगेट, यानी कि इस बार हम जो है भाई टेररिस्ट हैं, हमें बॉम्ब प्लांट करना है, तो ओके हमें बॉम्ब प्लांट करना है ना, मैं तो कर दूंगा इजीली, और बॉम्ब मेरे पास। ओ भाई डिफेंडर बनोगे तुम, ये डिफेंड कर रहा था भाई इस एरिया को, तो चलो मैं यहाँ पर। ओ भाई इनके सारे टीममेट तो चले गए उधर, और दुख की बात तो ये है कि इनके भाई मैक्सिमम बंदे तो इनके मर ही गए यार, 2 ही लोग तो बचे हैं, अपने 4 हैं इस टाइम, शायद से हम लोग रेड हैं। ओके हाँ हम लोग रेड हैं अभी। ओके अरे भाई 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 उल्टा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, हम लोग ब्लू ही रहेंगे,
तो भाई उनके चार बंदे, मैं अकेला हूँ और मेरे को बॉम्ब भी संभालना। ओ भैया हेलो, चलो निकलो घर जाओ, पीछे भागना पड़ेगा भाई वरना ये लोग तो मार देंगे मेरे को। अभी वो लोग तीन है और मैं अकेला हूँ, एक और आया भाई, तो काफ़ी अच्छा मैं FPP मैच में भी TPP की तरह खेल रहा हूँ। ओके और बंदे कहाँ पर है भैया, अभी बचे हैं 1v2 फाइट है, यानी कि वो दो लोग हैं और मैं अकेला हूँ। ओके तो मेरे पे एमओ तो फिलहाल ठीक ठाक है, मैं अपनी गन वापस लेता हूँ ये वाली। ये दोनों कहाँ पर हैं भाई, ये लो दोनों भैया आता पता ही नहीं है कहाँ पर, और ये वाला भी मैच हम जीत गए, नाइस। तो मैच ख़त्म हो गया कहीं, यहीं तक थी, मेरे को क्या पता कि एक और मैच होगा या फिर नहीं, तो शायद एक और मैच नहीं होगा। ओके गाइस, तो ये वाला मैच भी हम जीत गए। तो भाई आपको ये गेम प्ले वीडियो कैसी लगी प्लीज़ यार नीचे अगर कमेंट में जरूर बताना, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसी टाइप की फेस कैम वीडियोस अपलोड करूँ तो प्लीज़ यार जल्दी से जाओ कमेंट कर कर जरूर बताओ, एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड जिन्होंने भी मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। एंड गाइस आप लोग को कुछ एक बात बता दूँ कि मैं अभी थोड़े दिन पहले एक इवेंट में गया था जिसकी मैंने इंस्टाग्राम पर भी फोटोज अपलोड करी हैं, एंड आपको एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, तो वहाँ पर यूट्यूब ने मुझे एक गिफ्ट दिया, तो सबसे पहले तो उसको यूट्यूब को थैंक यू, और उन्होंने मेरे को एक दी थी यूट्यूब गेमिंग की टी शर्ट और एक बोतल दी थी जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है वो बोतल जो कि मुझे यूट्यूब गेमिंग ने दी थी, तो आपको इसको पहले थोड़ा सा अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ इसके अंदर कैसी हमें बोतल देखने को मिली है। ओके तो ये देखो भाई प्योर स्टील की ये बोतल है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैसे लिखा हुआ है यूट्यूब गेमिंग, एंड यहाँ पर आपको एकदम प्योर स्टील की देखने को मिल जाएगी इस तरीके से, कुछ इसका कैप है बोतल कैप, एंड एक बार खोल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए भाई कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलने वाली है, तो काफ़ी अच्छी है, तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। तो ये फर्स्ट गिफ्ट था जो कि मुझे यूट्यूब की तरफ से मिला, तो थैंक यू सो मच यूट्यूब इस चीज़ के लिए, एंड थैंक यू सो मच मुझे इन्वाइट करा आप लोगों ने इवेंट में, इतने बड़े इवेंट में इन्वाइट करा, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर इसको पैक करते हैं, एंड आज की इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। तो जिन्होंने भी मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा यार कर लो फॉलो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पर, 3000 फॉलोवर्स कंप्लीट होने वाले हैं, 3000 कराओ एंड फिर जल्दी से 10000 करा दो, क्योंकि 10000 फॉलोवर्स कंप्लीट होने के बाद हमें एक स्वाइप अप फीचर मिलता है, तो वो फीचर्स मेरे को यार जल्दी से जल्दी चाहिए, तो जल्दी से जाओ फॉलो कर लो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।